दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के बारे में बताया था, जिसकी वजह से अलाउद्दीन निर्वासित जीवन जी रहा था। आज आपको बताते हैं कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सल्तनत में इतना सम्मान देने के बावजूद अलाउद्दीन ने बगावत क्यों की। कड़ा मानिकपुर में एकाकी जीवन जी रहे अलाउद्दीन को महक नाम की एक कनीज से इश्क हो गया। एक बार जब जलाल ने उसे दिल्ली बुलाया तो वो महक को भी अपने साथ लेकर आ गया। जब अलाउद्दीन की पत्नी को महक के बारे में पता चला तो उसने और उसके मां ने मिलकर महक की पिटाई कर दी। अलाउद्दीन महक को काफी चाहता था, इसलिए वो उसे पीटते देख नहीं पाया और उसने पत्नी और सास दोनों की जमकर पिटाई की और सुल्तान को बिना बताए दिल्ली से कड़ा मानिकपुर निकल गया। अलाउद्दीन जानता था कि अगर ये बात सुल्तान को पता चलेगी तो वो उसे बख्शेगा नहीं, इसलिए वो वहाँ पहुंचकर अपनी सेना तैयार करने लगा। इसी बीच जब पिटाई के कारण महक की मौत हो गई तो अलाउद्दीन बाबला हो गया। अब उसने बगावत करने का फैसला किया। उसने सुल्तान को बिना बताए दक्षिणी राज्य देवगिरी पर चढ़ाई कर दी और वहां से इतनी धनराशि एकत्रित कर ली जिससे विशाल सेना खड़ी की जा सके। इसके बाद उसने सुल्तान का सफाया करने की ठान ली और योजना बनाने में जुट गया। उसने सुल्तान के पास माफीनामा भेजते हुए कहा कि वो देवगिरी पर आक्रमण के कारण उनसे काफी डरा हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि सुल्तान उससे यहां आकर मिले ताकि देवगिरी से लुटा हुआ धन वो सुल्तान को दे सके। जलाल को अपने इस प्रिय भतीजे के इरादों पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने कड़ा मानिकपुर जाने का फैसला किया। सुल्तान जिस दिन वहां पहुंचा, अलाउद्दीन ने उसके पीछे अपनी सेना लगा दी। जलाल जब अलाउद्दीन के खेमे में पहुंचा तो उसने सुल्तान की बड़ी खातिरदारी की और देवगिरी से लुटा हुआ धन दिखाकर उसे खुश कर दिया। जलाल इतना खुश हुआ कि उसने अलाउद्दीन को गले लगा लिया। इसी दौरान अलाउद्दीन का इशारा पाते ही उसके सैनिकों ने जलाल की पीठ में खंजरे घोंप दी। अलाउद्दीन सुल्तान से कितना नाराज था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने मरे हुए सुल्तान का गला काट कर उसे भाले पर टांग दिया और इसी तरह वो दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली आते ही उसने अपनी पत्नी और सास सहित जलाल के पूरे खानदान को काट डाला और खुद को सुल्तान घोषित कर दी। पत्नी से मिले अपमान की कड़वाहट उसके दिल में पूरी जिंदगी बनी रही और क्रूरता उसके वजूद का हिस्सा बन गई। अगर बुढ़ापे में अलाउद्दीन अपने पुरुष रखेल मलिक काफूर का शिकार न होता, क्रूरता दिखाने में वो चंगेज खान और तैमूर लंगड़े को भी पीछे छोड़ देता।